हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। माई सेल्फ श्रुति पाल, और आज हम जानेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां थीं और हर एक जनरेशन में कंप्यूटर कैसे थे। जनरेशन यानी कि पीढ़ी। जस्ट एज वी आर द जनरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन द सेम वे देयर आर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह से हम मनुष्य की जनरेशन होती हैं, उसी तरह से कंप्यूटर की भी जनरेशन होती हैं। यानी कि जो समय हमारा पहले का था, तब से अब तक वही समय तो नहीं है। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में भी पहले के जो कंप्यूटर थे, तब से अब तक अब के जो कंप्यूटर हैं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो इसी को कहते हैं जनरेशन। इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द 1945, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1945 से हुई थी। अंडर एवरी जनरेशन सम डिवेलपमेंट हैज़ बिन डन इन द कम्प्यूटर, और हर एक जनरेशन में कुछ डिवेलपमेंट होते रहते हैं कंप्यूटर में। अर्लियर कंप्यूटर यूज टू बी वेरी लार्ज इन साइज। पहले के जो कंप्यूटर हम यूज़ करते थे, वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे। विच स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर विद द डिवेलपमेंट ऑफ देयर जनरेशन, एंड टूडे इट साइज़ हैज़ बिकम वेरी स्मॉल। पहले के जो कंप्यूटर होते थे, वो साइज़ में नहीं है, बहुत बड़े होते थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर में, नहीं है डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ कंप्यूटर साइज़ में छोटे होते गए। कंप्यूटर कंपनीज कैरी आउट न्यू टास्क विद द चेंजिंग जनरेशन, यानी कि जो कंप्यूटर की कंपनीज है, वो नए नए टास्क करती रहती हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट कंप्यूटर में होता रहता है, जैसे जैसे जनरेशन में चेंजेस होता रहता है, वो नए नए टास्क कंप्यूटर में करती रहती हैं। जैसे कि आप ले लो साइज़ में चेंजेस एंड स्पीड में चेंजेस, नए नए आविष्कारक। अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। फर्स्ट जनरेशन 1945 टू 1955, सेकंड जनरेशन 1955 टू 1965, थर्ड जनरेशन 1965 टू 1975, फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1985, फिफ्थ जनरेशन 1985 टू ऑनवर्ड। पांचवी जनरेशन जो है वो अब तक है, और अब 6th जनरेशन भी आने वाली है। फर्स्ट जनरेशन 1945 टू 1955 तक थी। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। वर्क बहुत स्लो करते थे ये कंप्यूटर। वेरी लार्ज शेप्ड एंड हैवी, ये बहुत बड़े आकार में होते थे। इनका आकार इतना बड़ा होता था कि एक कंप्यूटर एक कमरे में आ पाता था, और ये बहुत भारी भी होते थे। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे भी आते थे ये कंप्यूटर। स्लो इनपुट आउटपुट देते थे, इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। पावर कंजप्शन वाज हाई, इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती थी। नॉन पोर्टेबल होते थे, यानी कि ये इतने भारी हुआ करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लाया जा सकता था। बियॉन्ड बिलीफ, इन कंप्यूटर पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक समय पर एक ही टास्क होता था इन कंप्यूटर पर। यूज टू जनरेशन ए लॉट ऑफ हीट, इस समय के जो जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करते थे, जिसकी वजह से हमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। ओनली सपोर्ट मशीन लैंग्वेज, और ये कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते। एग्जाम्पल ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 650। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 टू 1965 तक थे। इसमें ट्रांसिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था, और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से साइज़ में छोटे थे, लेकिन ये महंगे थे और फास्ट थे। प्राइमरी मेमोरी की जगह पे ये मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप का यूज़ किया गया था, और ये असेंबली लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। पावर कंजप्शन वाज स्लो, इसमें बिजली की खपत होती थी, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम, और ये फर्स्ट जनरेशन की तुलना में बहुत बिलीवेबल भी थे। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108, ENTAC 1401, IMP 700, CDC 160। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 टू 1975 तक थे, और इसमें IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था, और ये स्मॉल, चीपर, फास्टर मोर देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वेरी बिलीवेबल भी थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की तुलना में,
और इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हुई थी और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। पावर कंजम्पशन वाज स्लो मोर देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, यानी कि बिजली की खपत कम होती थी लेकिन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की तुलना में। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IBM 360, ICL 1900, BAX 750 एंड इनपुट और आउटपुट के रूप में कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर सभी यूज होने लगे। फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1985 तक थी। इसमें माइक्रो प्रोसेसर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा था। स्मॉल, चीपर एंड फास्टर, मोर रिलायबल देन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि थर्ड जनरेशन की तुलना में ये स्मॉल थे साइज में, सस्ते भी थे और फास्ट भी थे और विश्वास योग्य भी थे। और फोर्थ जनरेशन में जो मेमोरी का यूज़ होता था वो सेमी कंडक्टर चिप यानी कि रैम और रोम जैसी मेमोरी का यूज़ होने लगा था। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज का यूज़ होने लगा था। प्रॉपरली यूज होम एंड ऑफिस, और ये होम और ऑफिस में लगातार यूज होने लगे थे, पोर्टेबल थे, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया सकता था। यूजेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का यूज होने लगा था। स्टार्टेड ऑन इंटरनेट, इंटरनेट का आविष्कार हो चुका था। कंप्यूटर इजीली अवेलेबल और कंप्यूटर आसानी से हर जगह उपलब्ध हो चुके थे। डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई थी। ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टूगेदर, यानी कि दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। एग्जाम्पल IBM 4300, ICL 2900, HP 9000। फिफ्थ जनरेशन 1985 टू ऑनवर्ड, यानी कि पांचवी पीढ़ी जो है वो 1985 से अब तक चल रही है। और इस समय के जो कंप्यूटर हैं, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं, यानी कि ऐसे कंप्यूटर बनाने का आविष्कार चल रहा है जो इंसान की तरह सोचते हैं, इंसान की तरह सीखते हैं और इंसान की तरह काम करते हैं और इंसान की तरह रिएक्शन करते हैं। और फिफ्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी को चेंज करके ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा। अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज का यूज़ होने लगा जो कंप्यूटर ह्यूमन की लैंग्वेज समझ सके। पावर कंजम्पशन वाज लेस, यानी कि बिजली की खपत इसमें बहुत कम होने लगी। साइज़ में भी ये छोटे होने लगे और साइज़ इनका इतना छोटा हो गया कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था। स्पीड में भी फास्ट, यानी कि इसकी स्पीड जो थी वो फास्ट थी। एग्जाम्पल रोबोट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन।